हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इस वीडियो से शॉर्टकट का कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिगनर्स एक्सपर्ट लेवल पर जाएगा। ये पार्ट वन होने वाला है, जिसमें हम लोग बेसिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने डाउनलोड की तरफ। डाउनलोड में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग सीधा मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह करते हैं। तो आप लोग को क्रोम में जाना है और यहाँ पर लिखना है शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। देन आपका जो देखिए शॉर्टकट .org ऑफिशियल साइट का जो लिंक आ रहा है, इसमें आप लोग को जस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर में आप लोग को डाउनलोड सेक्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली आपका विंडोज़ है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। उसके बाद आप लोग को विंडोज़ इंस्टॉलर में आप लोग को क्लिक करना है। ये उसके बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट कर जाएगा। मैं साइट 2 से कर रहा हूँ, जो गिटहब का है। आप वो सब या साइट 1 से भी कर सकते हैं, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मिलते हैं सीधे ट्यूटोरियल की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने शॉर्टकट का ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोग को यहाँ पर शॉर्टकट ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर इस तरह का आप लोग को विंडो दिखाई देगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले यहाँ पर है, आप लोग प्रोजेक्ट फोल्डर दिखाई देगा। तो यहाँ इससे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने फोल्डर यानी प्रोजेक्ट को किस फोल्डर में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सपोज कीजिए कि डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया। देन सिलेक्ट फोल्डर, तो अभी हमारे जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो डेस्कटॉप में सेव होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम, सपोज दे देते हैं क्या हम लोग, मैं अपना नाम दे देता हूँ अभिनंदन। जैसे मैं यहाँ पर, सॉरी यार स्पेलिंग गलती हो गया। ठीक है, तो अभिनंदन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग वीडियो मोड कुछ भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट मैं कर दूंगा। ठीक है, ये आप लोग को .mlt एक्सटेंशन में यहाँ पर आप लोग को सेव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप लोग को इस तरह का विंडो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्लोज करता हूँ। उसके बाद देखिए ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये पूरा इसको प्रोजेक्ट एरिया कहते हैं। ठीक है, और इसको टाइमलाइन एरिया कहते हैं नीचे वाला को। यहाँ पर हम लोग अपने वीडियो को एडिट करते हैं सिंपली। ठीक है, तो चलिए अब लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो को इसके अंदर लाएंगे और उसको उसी के ऊपर हम लोग एडिट करके देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो ओपन फोल्डर में क्लिक करके जैसे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक, तो देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये मेरा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ये मेरे वीडियो का कुछ लेंथ वगैरह कुछ ठीक नहीं है, तो अपने हिसाब से कर लेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आ गया। अब हम लोग को इसको एडिट करना है। ठीक है, तो इसको एडिट करने के लिए सिंपली यहाँ से आप लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देना है। ठीक है, टाइमलाइन में यहाँ पर आप लोग को ला के छोड़ देना है। तो जैसे आप लोग छोड़ेंगे तो आप लोग वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ Ctrl+ से, स्क्रोल अप से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा कट वगैरह ये सब करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को देखिए ये जो आप लोग को लाइन दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी मदद से जहाँ रखेंगे, ठीक है, कुछ इससे मतलब कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं रख के मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा कट हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये ढक्कन मेरे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो जैसे मैं यहाँ से इसको यहाँ तक कट करूँगा, देखिए ये मेरे वहाँ तक चल गया, तो मैं यहाँ पर इसको कट करूँगा। तो सिंपली ये मैं कट करने के बाद मैं इस पोर्शन के साथ जहाँ से जहाँ तक कट किया, तो इसको मैं कुछ भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मैं सपोज़ कीजिए कि इसका मैं जो स्पीड है इसको मैं कम करना चाहता हूँ। ठीक है, जो मेरे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जैसे अभी मेरा ये देखिए ये थोड़ा आप लोग को लैग होके दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए मेरे यहाँ पर कितने स्पीड में जा रहा है, देखिए मेरा ढक्कन तो कितने स्पीड में जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा स्लो मोशन में करूँ, तो इस पर क्लिक करके आप लोग को सिंपली प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ में आके आप लोग को यहाँ पर स्पीड तो सपोज़ कीजिए मैं इसको मैं हाफ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई में क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये जो मेरा है, देखिए इसके स्पीड तो मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का स्लो डाउन हो जाएगा। देखिए देखिए ये तो आप लोग का अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो ये पूरे स्मूथनेस के साथ दिखेगा, तो इसमें थोड़ा सा लैग होके आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग को ट्रैक ऑपरेशंस दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप ऑडियो वीडियो कुछ भी ट्रैक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंडू रीडू ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। अंडू करेंगे तो वापस से जैसे था वैसे आप लोग को पहले हो जाएगा, ठीक है। देखिए वापस से रीडू करेंगे तो जैसे अभी किए थे, हाँ कट वगैरह, तो वो सब वापस आ जाएगा। पिक मीटर कुछ भी नहीं है, आप लोग को पिक वीडियो का दिखाएगा ये ठो, ठीक है। वॉल्यूम जैसे मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ तो देखिए इस तरह दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ तो अभी आप लोग देख लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वीडियो के पार्ट का प्रॉपर्टीज आप लोग मतलब उसको उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था स्पीड को कम ज़्यादा। उसके बाद रिसेंट में आप लोग वही सब, रिसेंट में क्या क्या हम लोग किया है यहाँ पर, क्या इम्पोर्ट वगैरह सब किया है तो वो सब दिखाएगा। और प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर आप लोग वीडियो को ला कर रख सकते हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन तो यही वाला हो गया जहाँ पर हम लोग वीडियो तो एडिट कर रहे हैं। उसके बाद फिल्टर्स, फिल्टर्स में आप वीडियो में विभिन्न तरह के फिल्टर्स वगैरह जैसे फेड इन फेड आउट, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा डार्क से लेकर वाइट तक होता है और वीडियो के एंड में वाइट से सीधे डार्कनेस में चल जाता है, तो उस तरह से आप लोग ये तो कर सकते हैं जो मैं वीडियो में आगे आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर वीडियो कट वगैरह ये सब कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इसके अंदर टेक्स्ट टेस्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर मैं टेस्ट को ऐड करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर फिल्टर्स में किया गया, ठीक है, जिसमें ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट में यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही टेक्स्ट लिखूँगा तो देखिए यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट, रिच, सिंपल, कुछ भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर रिच करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को जैसे लिखा है थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, तो थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती हो गया, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। उसके बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा करके मैं इसको यहाँ पर लाके इसको मैं बैकग्राउंड इसका मैं कलर पहले वाइट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं उसके बाद मैं इसका करता हूँ, ठीक है। देखिए इसका इसका मैं कर देता हूँ येल्लो, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, येल्लो सही नहीं रहेगा, मैं इसको ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। और जो ये पोर्शन है मैं इसको दे देता हूँ कुछ ये वाला। तो देखिए आप लोग कुछ इस तरह से अलग अलग आप लोग कलर भी दे सकते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग जैसे मैंने लिख लिया, ठीक है, इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। आप लोग यहाँ से भी कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सब अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो में अपने टेस्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो को ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रैक में जाएंगे, हाँ ट्रैक ऑपरेशन को ऐड ऑडियो ट्रैक, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो नीचे देखिए एक तो आप लोग को ऑडियो ट्रैक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली ओपन फाइल में करना है जहाँ भी ऑडियो है, तो इसको ऑडियो को यहाँ पर आप लोग को ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं इसको इसके अंदर लेके आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हाँ अब मैं इसको थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, देखिए मेरा ऑडियो यहाँ पर ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ पर वीडियो को मैं यहाँ पर चला सकता हूँ, ठीक है, आराम से देखिए। और इसका जो पहले का वॉल्यूम है उठो आप ये म्यूट कर सकते हैं, और इसका आप लोग यहाँ पर आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। और इसका इसका लेंथ को आप लोग यहाँ से छोटा कर लेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। हाँ देखिए इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें कुछ एडवांस लेवल के चीज़ों में भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।